नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विराज ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नीरज कोचर और कार्यकारी निदेशक रेणु कोचर ने किया ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्यालय का दौरा। सादगी, सरलता और आध्यात्मिकता को बताया सफलता की राह। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 में लगा 2 दिवसीय ओम शांति स्पिरिचुअल क्लिनिक। सैकड़ों लोगों ने लिया मानसिक समस्याओं का समाधान। राजयोग मेडिटेशन की भी ली जानकारी। नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा आयोजित हुआ ऑनलाइन सम्मेलन। विद्यार्थी जीवन में भयमुक्त होकर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए विशेषज्ञों ने सुझाए तरीके। और ब्रिटेन में ब्रह्म कुमारी संस्था के एक्टिविटीज के पूरे हुए 50 वर्ष। ऑनलाइन सीरीज गोल्डन हार्ट्स द्वारा सेलिब्रेट कर रहा है ब्रह्म कुमारीज यूके। जोश और प्रेरणादायी अनुभवों से भरी है सीरीज। अब खबरें विस्तार से। विराज ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नीरज कोचर और कार्यकारी निदेशक रेणु कोचर का ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्यालय आना हुआ। आबू रोड पहुंचने पर संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने उनका स्वागत किया। आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत शांतिवन परिसर में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान नीरज कोचर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सादगी, सरलता और आध्यात्मिकता ही हमें सफलता की राह दिखाती है। वहीं रेणु कोचर ने कहा कि मैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें सदा प्रेरित करती हूं। फैक्ट्री तो इधर आ नहीं सकती, वो 10,000 इधर आ नहीं सकते, पर मैंने यहाँ से प्रेरणा ली है कि यहाँ की कुछ अच्छी चीजें ले जाकर वहाँ पे हम करें, जिसके कारण वो 10,000 जो है वो भी हमारी फैमिली के मेंबर बन जाए। इधर परिवार में आके इतना अच्छा लग रहा है कि सुबह से आने से पहले कि ये अनुभव नहीं था कि ये इतना विस्तार में और इतना बड़ा होगा, और जब से सुबह से आया मेरे ख्याल से टाइम कम पड़ रहा है और हम भाग भाग के देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पे। बट आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार का धन्यवाद, और दवे इस परिवार में आपने हमें वेलकम किया है, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया और आभारी हूँ। इस अवसर पर कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने कहा कि आध्यात्मिकता द्वारा ही पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सामंजस्य आता है। तो वही व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की अध्यक्षा बीके योगिनी ने लोगों को बताया कि कोरोना काल में नीरज कोचर ने राजयोग सीखा और अब वे अपनी कंपनी के कर्मचारियों को मेडिटेशन सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। He's a man of steel business, but his in heart is light. He's always bright. Is always cheerful. इनके लिए कहेंगी कि ये बाबा की टचिंग सोल है, तो उनको तुरंत ही उन्होंने ORC अपना दिल्ली में गए, बाद में हमको बोला हमारे इंडस्ट्री वाले को भी ये कोर्स कराओ, तो 10,000 लोग इनके पास काम करते हैं, उसमें से हमारी सभी बहनों ने एक साल में 3,000 लोगों को ये करा दिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान उद्योगपति विराज चड्ढा और नम्रता चड्ढा भी मौजूद थे और अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए। इतना प्यार, इतना प्रोग्रेस मैंने नहीं देखा, इधर तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। कोरोना काल मतलब चिंता, परेशानी और समस्याओं का काल। नींद न आने की समस्या, उनके बच्चे नशा करते हैं, मनमानी करते हैं और माँ बाप से झगड़ा करते हैं, इस तरह की समस्याओं का अधिकतर लोगों को कोरोना काल में सामना करना पड़ा। उनके इन्हीं मानसिक परेशानियों के समाधान के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 43A द्वारा 3 दिवसीय ओम शांति स्पिरिचुअल क्लिनिक का आयोजन किया गया। भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक लगे ब्रेक और कोरोना वायरस के डर ने लोगों के मानसिक स्तर को काफी कमजोर कर दिया, जिससे चिंता, डर, अकेलेपन का माहौल बन गया है और लोग दिन रात इससे जूझ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोगों के मानसिक तनाव को कम करने में उनकी मदद की जाए। इसके लिए 3 दिवसीय स्पिरिचुअल क्लिनिक का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन लगभग 300 लोगों ने अपनी समस्याएं बीके सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से बताई।
जिन्हें धैर्य और गंभीरता से सुनने के बाद बी के सदस्यों ने उन्हें कुछ बातों को सहन करने और कमी को ना देखते हुए उनकी विशेषताओं की प्रशंसा करते रहने की सलाह दी और यह विश्वास दिलाया कि कुछ समय बाद से ही उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इस अनोखे क्लिनिक का उद्घाटन जज एस के अग्रवाल, सेक्टर 33A की प्रभारी बी के उत्तरा, सेक्टर 44 की प्रभारी बी के कविता, सेक्टर 46 की प्रभारी बी के पूनम, मोटिवेशनल ट्रेनर बी के करण की उपस्थिति में हुआ। दीदी ने जो मेरे को बात बताई उसके बाद तो मेरी संस्था से बहुत अच्छी मतलब और मन खुश हो गया कि मैं अच्छी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। जो इकट्ठे रहने से समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाए। खुशियों से क्यों समझौता किया जाए, क्यों घुट घुट के किया जाए, जब जलेबी की तरह उलझ गई है जिंदगी क्यों ना चाशनी में डुबा के मजा लिया। कोरोना के दौर में घर में बंद रहते हुए हर तरफ बीमारी और मौत की खबर सुनते रहने और खुद को बीमारी से बचाने की जद्दोजहद में लगे लोग काफी मानसिक तनाव से गुजर चुके हैं और गुजर भी रहे हैं। इन सब का असर बच्चों के दिमाग पर भी गहरा पड़ा है और उनके मन में भी कई सारे नकारात्मक विचार आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों और उनके पेरेंट्स का मानसिक तनाव कम हो सके उसके लिए भी संस्था ने स्पेशल बच्चों और पेरेंट्स के लिए चर्चा रखी जिसमें बच्चों ने दिल खोलकर अपनी बातें ब्रह्मा कुमारी बहनों से साझा की और बहनों ने बहुत सुंदर सहज भाव में बच्चों को कई प्रैक्टिकल सुझाव भी दिए। सब कुछ अच्छा है, प्यार से मन को समझा दे, अच्छा है। मेले में आए लोगों के रुझान से पता चला कि कोरोना महामारी के बाद लोगों में मेडिटेशन सीखने की दिलचस्पी बढ़ी है। अगर आपकी भी दिलचस्पी हो तो किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से संपर्क जरूर करें। नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा आयोजित होने वाले साप्ताहिक ऑनलाइन सम्मेलन में इस बार का विषय था भय से मुक्त नए भविष्य की ओर। इस सम्मेलन में सीताराम भारती इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में स्त्री रोग प्रभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर रेणु मिश्रा, इंटरनेशनल माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर डॉक्टर अदिति सिंगल मुख्य अतिथि रहे। चर्चा की शुरुआत में वरिष्ठ राज्यों प्रशिक्षक बीके पीयूष ने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के साथ साथ अच्छे संस्कार डालने पर जोर दिया। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने बच्चों में सफलता को लेकर पनप रहे डर के प्रति अपनी चिंता जताई तो वही अतिथियों ने इन समस्याओं से निपटने के लिए कई प्रैक्टिकल युक्तियां बताई। वारंगल शहर के काजीपेट सेवा केंद्र के 28 वर्ष पूरे होने पर समारोह का आयोजन हुआ जिसमें वारंगल सबजोन प्रभारी बीके सविता, स्थानीय कॉर्पोरेटर नरसिम्हा राव ने काजीपेट सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्रीदेवी को मुबारक देते हुए सम्मानित किया। आपको बता दें बीके श्रीदेवी ने इन 28 वर्षों में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम समेत सैकड़ों बड़े अधिकारियों को ईश्वरी संदेश दिया और 100 से भी अधिक गांवों में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। खबरें एक नजर में। जालंधर में कराए जा रहे नवदीत मेमोरियल T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का ग्रीन पार्क सेवा केंद्र की बीके बहनों ने किया उद्घाटन। अच्छा प्रदर्शन करने पर विजेता टीम के कैप्टन को किया सम्मानित। मेडिटेशन द्वारा एकाग्रता बढ़ाने का दिया सुझाव। इंदौर के पालदा सेवा केंद्र पर इंदौर जोन की मुख्य संयोजिका बीके हेमलता का आगमन। ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए दी शुभकामनाएं। अतिथियों को भेंट की ईश्वरीय सौगात और स्लोगन। जी टीवी पर प्रसारित स्वराज रक्षक संभाजी धारावाहिक के अभिनेता अमोल कोहले से मिले बी के दीपक हरके। संस्था द्वारा समाज उत्थान की गतिविधियों की दी जानकारी। मुख्यालय माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। पूरे ब्रिटेन में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा की जा रही एक्टिविटीज को अब 50 वर्ष होने को आ रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज यूके इस गोल्डन सेरेमनी को लेकर काफी उत्साहित है।
इसे सेलिब्रेट करने का उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला है और वो तरीका है ऑनलाइन कार्यक्रमों की सीरीज गोल्डन हार्ट्स का, जिसमें पूरे अक्टूबर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और यह सिलसिला नवंबर में भी जारी है। इसी सीरीज के अंतर्गत हाल ही में द नॉर्थ फेस ऑफ काइंडनेस फ्रेंडशिप वार्मथ एंड केयर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पूरे यूके से ऐसे कई लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए जिन्हें राजयोग मेडिटेशन और ब्रह्मा कुमारी लाइफस्टाइल से लाभ मिला है। चलिए देखते हैं कुछ प्रेरणादायी अनुभव। Schools teaches you all the content that you could possibly need for an exam, and it teaches you how to answer the questions, but what they don't teach you is how to prepare for exam stress and how to stay calm and how to deal with all that external pressure. Meditation has helped me. What I do is during pretty much every exam that I've sat, there's been moments where I feel panicked. And during those moments where I feel panicked, I pause for a moment just to meditate for about a minute and clear my mind, detach and refresh. Hi, my name is Jackie Chambers and I'm a musician. I play guitar with Girl School and Cyteria. They are both rock bands, so as you can imagine, there's not an awful lot of peace and quiet in my job at all. But meditation is the one thing in my day that is the most important thing in my day. Everybody will tell you who meditates, you get peace, you get quiet, you get calm, you get concentration, clarity. There's so many positives in there. I don't think I can find one negative thing about meditation. I know in my job, if I'm on tour in a van, it's just absolute madness all around me. There's parties, there's people singing, there's people drinking. It's going mad around me. If I just put on my headphones just for a minute, even if I'm not listening to anything, just to block out the noise and just have a minute to myself, that really helps me just get back to it and calm again. I started meditating with the Brahma Kumaris in Sheffield many, many years ago. I used to nurse and I found that when I took up this practice, life became a lot easier. I became a lot calmer, a lot easier. It taught me how to create a better atmosphere for myself, for the people I interacted with, for the family. इस ऑनलाइन सीरीज का फिनाले इवेंट लंदन के ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस पर 28 नवंबर को होगा। आगे के सारे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। यूएस के साउथ फ्लोरिडा स्थित मियामी में 40 से भी अधिक प्रतिष्ठित पत्रकारों, कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक इवेंट में मिलना हुआ। यह इवेंट द पीस स्टूडियो के सदस्य और स्वतंत्र मीडिया प्रोड्यूसर, होस्ट और ग्लोबल न्यूज एडिटर बीके मेरेडिथ द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें पीस स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक थॉमस वेस्ट, बीके मैरियन और बीके डोना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीके थॉमस ने पत्रकारों और कलाकारों को अपनी कहानी और पत्रकारिता द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया, तो वहीं बीके शिरीन ने राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए अभ्यास भी कराया। इस इवेंट का सीनियर सिस्टर बीके वेडी भी हिस्सा बनी और सबसे मुलाकात की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।